सामीन अंबर, आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में। सामीन, आप हमारा शो सुन रहे हैं हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव। 12 बजे तक मेरा और आपका साथ रहेगा। सामीन, हमारे साथ स्टूडियो में मिस फसिया नसीम मौजूद हैं। शी इज़ अ डाइटिशियन। और जैसे मैं 15-20 मिनट से आप सबसे बात कर रही थी कि पूरे रमज़ान में किस तरह हमारी रूटीन मैनेजमेंट होनी चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे, और किस तरह हम अपनी एनर्जी लेवल्स को बेहतर बना सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस फसिया, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग यू इन योर शो। जी, थैंक यू फसिया। आप थोड़ा सा आज लेट हो गई, खैरियत थी आई एम सब? एक्सट्रीमली सॉरी, एक इनकन्वीनियंस हो गई थी जिसकी वजह ओके से ओके, मैंने थोड़ी नहीं सी लेट। कोई मसला नहीं है। अच्छा मिस फसिया, मैं चाहूंगी कि रमजान का महीना आता है तो अच्छा लगता है सबको कि रमजान, बहुत खुशी होती है रमजान का महीना आ रहा था। लेकिन हम ये देखते हैं कि रमजान के महीना जैसे शुरू होता है और हम एक दो रोजे रखने लगते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल एकदम से स्लो डाउन हो जाता है। एग्जैक्टली ठीक इसी है, तरह होता है। तो इसकी क्या वजह होती है, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, मोस्टली जो रमज़ान में लोगों की प्रेफरेंसेस होती है ना, वो ज़्यादातर वो फ्राइड फूड आइटम्स को दे रहे होते हैं, या फिर सॉल्टी फूड होगा, या शुगरी फूड्स होते हैं उनको दे रहे होते हैं। तो ऐसे फूड्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करने की बजाय आपकी एनर्जी को और ज़्यादा ड्रेन कर रहे होते हैं। सो हमें ये अपने फोकस रखना है कि हम ऐसे फूड आइटम्स अपनी जो है डाइट में या फिर रमज़ान में इंक्लूड करें जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सके। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कार्बोहाइड्रेट जैसे हाई फाइबर फूड्स हो गए, आपके ओट्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, आप इन चीज़ों का इंटेक रख सकते हैं। सेकेंड चीज़ आपकी हो गई प्रोटीन। प्रोटीन इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रोटीन में आपके पास एग, फिश या मीट या चिकन का आइटम कोई हो सकता है। और जो थर्ड चीज़ आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं वो आपके हेल्दी फैट्स हैं, लाइक आप नट्स का, सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फूड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बनिस्बत के जो आप फ्राइड फूड आइटम्स या शुगरी आइटम्स ले रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि मैं भी यही अभी अपने सामने से बात कर रही थी कि नॉर्मल हालात में तो हम 7-8 बजे खाना खाते हैं ना, जी उस वक्त हम भर भर के तेल पकौड़े समोसे सब खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही होता अच्छा, है। और बहुत दफ़ा हम रोज़े में ये फील करते हैं कि जी हम हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो गई है, हमें समझते हैं बहुत सारे हमने मीठे ग्लास पानी के पी लिए तो सही हो जाएगा, तो डिहाइड्रेशन कैसे सही करना है? अच्छा, डिहाइड्रेशन को मैनेज करना रमज़ान में एक बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं, जो इफ्तार से सहरी तक का हमारा टाइम है उसमें अपने अपनी हाइड्रेशन लाइक फ्लूड का इंटेक, पानी का इंटेक हमने लास्ट में रखना है। हर आर पे आप एक एक ग्लास पानी का अपना इंटेक करते रहें। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ है, आपके ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल जिनमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे आजकल हमारे पास सीजन में वाटर मेलन हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गई, क्यूकम्बर हो गया, ग्रेप फ्रूट, इनका इस्तेमाल रख सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है, जो आपके कैफिनेटेड बेवरेजेस होते हैं, लाइक बहुत सारे लोगों का ये होता है कि वो आपका सहरी में या इफ्तार में 4 से 5 कप तक वो ले रहे होते हैं, चाय ना, चाय और कॉफ़ी का इंटेक ना, तो उससे भी आपको डिहाइड्रेशन हो रही होती है। तो हम ये क्या करना है, अगर आप 1 to 2 कप तक ले रहे हैं वो आपके लिमिट है वो तो ठीक है, लेकिन आप एक्सेसिव लेंगे तो उससे भी आपको डिहाइड्रेशन हो रही होती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपके सॉल्ट फूड्स होते हैं ना, कि आप एक्सेसिव सॉल्ट का इंटेक कर रहे होते हैं तो उससे भी आपको डिहाइड्रेशन होती है। तो आपने अपने जो सॉल्ट फूड आइटम्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं रखना है, कैफिनेटेड बेवरेजेस हो गए उनका नहीं रखना है, पानी का इंटेक हो गया, और आपके जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिनमें वाटर कॉन्टेंट ज़्यादा होता है उसका इंटेक रखना है आपने ज़्यादा बिल्कुल ज़्यादा। बिल्कुल आप सही कहें। अच्छा, पानी जैसे अगर हम कहते हैं ना कि दिन में हमें 8 से 9 ग्लास पानी पीने, तो हम उसको किस तरह डिवाइड करें, क्योंकि हम या तो बहुत सारा एक साथ पानी पी देते हैं, कुछ खाया नहीं जाता, फिर तो बिल्कुल। पानी कब तक कैसे कैसे पीते रहे? अच्छा, जैसे आपके इफ्तार से सही तक का टाइम हमारा ऑलमोस्ट 8 to 12 आवर्स का या 8 to 9 आवर्स का आपका डिफरेंस होता है, ठीक है। आप फिक्स कर लें कि आपने हर आवर के बाद 1 ग्लास पानी का इंटेक करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस तरह से फिक्स करते हैं कि आप हाफ आवर के बाद जो है पानी ले रहे हैं, तो आपके 8 to 12 ग्लासेस पानी का जो इंटेक है वो आराम से अचीव हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, जब हम रमजान की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि समटाइम बैलेंस डाइट रखना, जैसे अभी आपने पहले ही बताया कि हमें अपने मील में ये शामिल करना चाहिए, लेकिन बैलेंस डाइट को फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम बिल्कुल। सहरी के वक्त भी बहुत सारा खा लेते हैं और फिर अफ्तार के वक्त भी बहुत सारा, हम समझते हैं जी हम पूरा दिन इतना भूखा थे कि बहुत सारा खा। तो बिल्कुल। आप क्या समझती हैं कि बेहतरीन सहरी और बेहतरीन इफ्तारी क्या होनी चाहिए?
आपकी जो एक बैलेंस डाइट होती है ना, वो आपको ऐसे न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के लिए बेहतर हो, ठीक है। और आपको वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जब ही मिलेंगे जब आप एक गजाई से भरपूर जो है अपना खाना लेंगे, ठीक है। तो आपको जो गजाई से भरपूर खाना होता है ना, वो आपके 5 फूड ग्रुप्स पे कंसिस्ट होता है। फर्स्ट फूड ग्रुप इज़ आपका कार्बोहाइड्रेट, जो भी आप रोटी ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, ब्रेड ले रहे हैं, वो तमाम चीज़ें आपकी कार्बोहाइड्रेट ग्रुप में आती हैं। दिस इज़ अ मेन ग्रुप जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक हो गया। सेकेंड ग्रुप आपका प्रोटीन का है, जिस तरह से मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि एग हो गया, फिश, मीट, चिकन, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है सेल ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए आपको ये चाहिए होता है। थर्ड और फोर्थ ग्रुप हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल का है, जिससे आपको ज़्यादातर विटामिंस और मिनरल्स मिलते हैं, जो आपको पूरा दिन रिप्लेनिश करवाने में या एक्टिव रहने में आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। फिफ्थ जो फूड ग्रुप है, दैट इज़ आवर डेयरी ग्रुप, जिसमें आपकी दूध और दूध से बनी अशिया हो गई। तो जब आप इन पाँचों फूड ग्रुप्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो एक बैलेंस डाइट आपको मिलती है। तो आप इसी तरह से इनको सहरी और इफ्तार में इंक्लूड कर सकते हैं, तो आपको एक बैलेंस डाइट जो है वो अच्छी मुतवाजन गज़ा मिल सकती है। सही। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है फसल के जब इफ्तार का वक्त होता है तो बहुत सारे लोगों से एक दूसरे से लोग सवाल पूछते हैं, जी आपने क्या इफ्तार में क्या खा, तुम इफ्तार किससे करते हो? तो मुझसे कोई पूछे तो मैं कहती हूँ मैं तो डायरेक्ट खाना खा लेती हूँ, ठीक हो गया। तो इफ्तार आप क्या समझती हैं, इफ्तार में क्या किस तरह स्टार्ट करना चाहिए, इफ्तार में क्या वाकई खाना खाना ज़्यादा हेल्दी होता है या बहुत सारे लवाजमात होने चाहिए? एक कॉल भी पहले शामिल करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, जी कौन बात कर रहे हैं? जी अयूब साहब। जनाब खैरियत से? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम और बहुत प्यारा टॉपिक। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा। थोड़ा सा इस्तेमाल इस बात पे। जी जी, कुदरती तौर पे बात वाकई सही कह रही है कि भाई रोजा रखता बनता है तो कुदरती तौर पे लेवल हो जाती है, अल्लाह ताला का निज़ाम है, इसमें कोई शक नहीं। कमाल लेकिन बंदे को महसूस कुछ नहीं होता अगर से बंदा सही तरीके से अपनी रूटीन बनाए, खाते में डाले तो बंदा चल जाता है। जी जी, मिसाल के तौर पर जैसे हम सुबह उठ के माशाल्लाह तैयारी करते हैं तो हम खाने में सुबह जो तैयारी में हम खाते हैं नमकीन तैयारी नमकीन लस्सी सही, और साथ में पराठा होता है, और अल्लाह के फजल से जब शाम को हम इफ्तार करते हैं तो हमें कोई शरबत की जरूरत नहीं पड़ती, ठंडा पानी जरूर होता है, नॉर्मल खजूर हम रखते हैं मुँह में, उसको चबाते हैं और पानी पीते रहते हैं, और वो शरबत का पूरा मजा ऐसा जायका देती है कुदरती तौर पे, तो क्या बात है, माशाल्लाह दिल बाग बाग। बिल्कुल, खजूर की तो बहुत अहमियत है। हाँ, उसमें एक्स्ट्रा शरबत हम यूज नहीं करते, जैसे शीरी हो गया जी, रूहअफ़ज़ा हो गया जी, ये लाओ जी, नहीं बिल्कुल पता ही तो नहीं, ये कुदरती शरबत है। ठीक, एक रूटीन में शुमार होता है, इससे आपको कहीं कोई भी तकलीफ नहीं होती। और फिर अपने टाइम पे जो खाने का टाइम है वो खाने के टाइम पे आप खाना खाते ना, रोजा पकौड़े खिलाओ जी, समोसे खिलाओ, ये बंदे का अपना शौक है जी, ठीक है, वो पूरा होता है, पकौड़े होते हैं, नारमिल होते हैं, नमक वाले भी होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ गाँव के हाथ में ये चीजें नहीं होती। सही, बिल्कुल सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। उन्होंने कहा कि खजूर जो है वो बेहतरीन ग़िज़ा है, तो हम बात कर रहे थे कि इफ्तार में फिर हम क्या किस तरह अपने इफ्तार का आगाज़ करें। ठीक है, तो रमज़ान में जो है जिस तरीके से हम खजूर की बात की, खजूर से स्टार्ट करते हैं। खजूर आपकी एक नेचुरल फूड है, ठीक है, तो उसमें हमारा जो फाइबर है, वाटर कंटेंट होता है, नेचुरल फ्रूट शुगर है आपकी, तो अगर आप उसका इंटेक करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होती है, वो आपको कोई जो है नुकसान नहीं पहुँचाती एज़ कम्पेयर टू आर्टिफिशियल जो आप शुगर्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो आपने अपने इफ्तार में जो है वो पानी का इंटेक कर सकते हैं, पानी से आप इफ्तार करके अपनी डेट से आपने उसमें लेनी है, देन फिर आप अपने फ्रूट चाट ले सकते हैं, आपको पकौड़े वगैरह लेना है ठीक है आप ले सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन इज़ द की,
ठीक है, आपने ये नहीं करना पकौड़ों का दिल चाह रहा तो आपकी पूरी प्लेट जो है पकौड़ों से भरी हुई होगी। तो जो आपके फ्रूट चाट हो गए या फिर आपकी चना चाट हो गई, जो हेल्थी ऑप्शंस होते हैं, आपने वो भी अपनी प्लेट में इंक्लूड करके इस तरीके से अपनी डाइट बैलेंस करनी है। बिल्कुल बैलेंस राइट, ओवर ईट नहीं करना। बिल्कुल, एक कॉल थी डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा, अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो डायबिटिक हैं, उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो वो या कैंसर पेशेंट्स हैं, क्या वो रोजे रख सकते हैं, और अगर रखें तो वो अपना रमजान कैसे गुजारें? अच्छा, ऐसे लोगों के लिए रिकमेंडेशन होती है कि रमज़ान से प्रायर 1 मंथ आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करनी है, ताकि वो आपके तमाम टेस्ट हो गए, आपके ब्लड शुगर्स हो गए, इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करें। जब वो 1 महीने तक आपकी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, उसी हिसाब से आपकी मेडिकेशंस को एडजस्ट करते हैं। इन केस अगर आपके डॉक्टर ने आपको अलाउ कर दिया है कि आप रोज़े रख सकते हैं, तो फिर आपने एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन से कंसल्ट करना है, बिकॉज इन एवरी कंडीशन आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज़ डायबिटिक, तो उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट चेंज होंगी। अगर किसी को किडनी का है, तो उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट चेंज होंगी। तो जब आप एक डाइटिशियन से कंसल्ट करेंगे, तो आपकी रिपोर्ट्स देखते हुए, आपकी मेडिकेशंस को देखते हुए आपके डाइट प्लान एडजस्ट करेगी, तो इससे आपके रमजान बेहतर तरीके से गुजर सकते हैं। अच्छा, वो माएं जो ब्रेस्ट फीड करवा रही थी, उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? अच्छा, जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है या फिर प्रेग्नेंट वूमेन होती हैं, तो ड्यूरिंग जो इनके ये कंडीशन होती है, उसमें न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाती है। लाइक उनके फ्लूड इनटेक्स होती है, उसमें थोड़ी सी चेंजेस आती हैं, बट अकॉर्डिंग टू रमज़ान वो इतना ज़्यादा फ्लूड का इनटेक नहीं कर रही होती, तो जिसकी वजह से उनको डिहाइड्रेशन होती है, और डिहाइड्रेशन की वजह से वो बहुत ज़्यादा लिथार्जी फील कर रही होती है, ड्राउजनेस होती है उनको, या डिजीनेस होती है, चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो उनको मैनेज करनी है, वो उनको अपना हाइड्रेशन लेवल बहुत अच्छा रखना है। जिस तरीके से मैंने आपके वाटर कॉन्टेंट फ्रूट्स वेजिटेबल का है, उसका इंटेक कर सकती हैं, पानी का इंटेक अपना बेहतर रखना है। दूसरी चीज़ ये कि उनको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हो रही होती हैं, बिकॉज जो एडिक्वेट इंटेक, जो न्यूट्रिएंट्स उनके रिक्वायरमेंट है, वो पूरी नहीं हो रही होती हैं, उस तरीके से डाइट नहीं ले रही होती जिस तरह से उनको लेनी चाहिए। तो एक मुतवाजन ग़िज़ा, एक बैलेंस डाइट जिसमें 5 फूड ग्रुप्स हों, एनर्जी डेंस फूड हों, उनको इस तरीके के फूड्स लेने हैं, थोड़ी सी अपनी स्लीप जो डिस्टर्ब हुई हुई होती है उसको मैनेज करना है, तो इस तरीके से उनके बेहतर हो सकते हैं रमज़ान। बिल्कुल। अच्छा, वैसे एक और जी, एक पहले कॉल लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, ये मैं शुगर पेशेंट हूँ, तो मैं एक दिन छोड़ के जो है मैं काले चनों का सालन खाता हूँ, क्या इसमें कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं नहीं, उसमें नुकसान नहीं है, वो सबसे बेस्ट है, बिल्कुल ले सकते हैं आप। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है इसमें? अब वो आपकी पोर्शन जो है ना, वो आपकी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप मिकदार कितनी खाते हैं? बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप कितना पोर्शन लेते हैं, मिकदार कितनी होती है आपकी? जी, मैं एक मुट्ठी भिगोता हूं, ठीक है, दूसरे दिन खाता हूं, बीच में एक दिन गैप करता हूं, एक मुट्ठी भिगोता हूं, भूल जाते हैं, ठीक है, ठीक। मतलब ये मेरे पूरे दिन की जो है ना, वो भूख की जो रिक्वायरमेंट है शुगर में, तो वो उसकी पूरी करते हैं आप। माशाल्लाह डाइटिशियन ने मेरे ज़हन में कहा कि ऐसे इंशाल्लाह आज आपका आना हुआ, और शुगर आपकी सही रहती है? जी जी, पहले शुगर सही नहीं थी, लेकिन अब शुगर सही है, अब नॉर्मल बेस्ट हो गया, आप ले सकते हैं। कोई ज्यादा नुकसान नहीं है? नहीं नहीं, नुकसानदेह नहीं है वो, बल्कि वो तो बहुत बेहतरीन है आपकी सेहत के लिए। हाँ, कुछ लोग कहते हैं ना कि इसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, काले चनों में पता नहीं चलता ना, हर चीज डबल माइंड हो गई है, हर चीज का कुछ पता नहीं चलता। कार्बोहाइड्रेट देखे उस मिकदार में ज्यादा होगी जब आप बहुत ज्यादा मिकदार में ले रहे होंगे, तो आप एक मुट्ठी ले रहे हैं तो उसमें इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा, प्रोटीन मिल रहा आपको, जो आपकी शुगर भी मेंटेन करवाता है। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल पे। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं सामीन, और भी आपके ऐसे सवालात हों कि आप पूछना चाहती हैं फसिया से कि क्या डाइट होनी चाहिए, और बहुत दफ़ा रोज़ों में रमज़ान में हमारा ये भी दिल करता है कि हमारा वज़न भी कम हो जाए, बेहतरीन महीना होता है रमज़ान में वज़न कम करने का, लेकिन अगर हम रमज़ान के बाद ईद के पहले दिन मशीन पर खड़े होकर देखिएगा, सबका वज़न खराब होगा। ठीक है, ये समोसे पकौड़े ओवर ईटिंग जो होती है ना, हमने हशर कर दिया, और जितनी जो मैदे की तजाबियत है ना, वो सब बिल्कुल ऐसा ही, और सब बीमार पड़े होते हैं। एक कॉल पहले लेते हैं, फिर ब्रेक पे जाते हैं। जी हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। लेवल बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं?
اچھا جو آپ کی کھجور ہوتی ہے فروٹس ہوتے ہیں اس میں آپ کی نیچرل جو اللہ تعالیٰ نے شوگر ہے نا وہ والی رکھی ہے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ تو ہوتی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ جو آپ کے فروٹس ہوتے ہیں نا اس میں ہمارا فائبر یعنی ریشہ ایک وافق مقدار میں اچھی مقدار میں ہوتا ہے جو آپ کی شوگرس کو کنٹرول کروا رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ کے مائنڈ میں یہ چیز آ رہی ہے کہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا. تیسری چیز یہ پورشن کنٹرول بہت زیادہ میٹر کرتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا. تو ایک ریکمینڈیڈ پورشن ہے اگر آپ فروٹ چاٹ لے رہے ہیں تو آپ ایک کپ تک لے سکتے ہیں ٹھیک ہے. پورشن کنٹرول کر کے لیں. فروٹس میں جو ہے آپ کا واٹر کانٹینٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. واٹر میلن ہمارے پاس آ رہا ہے اس میں فائبر ہے تو آپ کے ساتھ واٹر بھی ہے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتی. بالکل. اور ایک کھجور تو روز کھا سکتے. بالکل لے سکتے ہیں. دو کھجور کی آپ کی ریکمنڈیشن ہے آپ دو کھجور لے سکتے. بالکل تو آپ کی شوگر نہیں بڑھے گی. بہترین فیصلہ. یہ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کیونکہ لوگ تھوڑا سا ڈرتے ہیں. کچھ لوگ تو ہیں وہ تو 15-16 ایسے کھا جاتے ہیں چلتے پھرتے. لیکن شوگر کے مریض, اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ شوگر کے مریض ہیں یا نہیں, آپ ہر چیز پورشن میں کھائیں, کم اماؤنٹ میں کھائیں. بالکل. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. سامعین ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مس فسیہ تسیم موجود ہیں. شی از اے ڈائٹیشین فرام ضیاء الدین ہاسپٹل. جڑے اللہ جی رحمت سان اے کاشتکار خوشحال تھی ویا سو اچو اسلامی بینکنگ کریو فیصل بینک سان سجی پاکستان میں متعارف کرائے ہوئے ہے فیصل اسلامی خوشحال کسان اکاؤنٹ جو کاشتکار کے شرعی اصول مطابق اسلامی بینکنگ جو کتنی سہولت فراہم کرے تو مفت چیک بک ای پی آر مفت ڈیبٹ کارڈ ای مفت آن لائن بینکنگ نامحدود نقد یا چیک بک کڈن ای جمع کرن جو سہولت پر حاصل کریو خاص رعایت زرعی فنانسنگ تھی ودیک معلومات لائے پانچ ویجی فیصل بینک برانچ تے وجو یا 111-06-06-06 تے کال کریو فیصل اسلامی خوشحال کسان کھاتو خوشحال کسان خوشحال پاکستان شرط ای ضابطہ لاگو ہے آئے مل کر نیا ایس آئی یو ٹی کینسر ہاسپٹل بنائے اپنی سکات و عطیات کے لیے 111 ڈونیٹ پر کال کریں یا www.siut.org پر آن لائن ڈونیٹ کریں کیونکہ خیال رکھنے کی اب ہماری باری ہے جڑے اللہ جی رحمت سان ملک ہے کاشتکار خوشحال تھی ویا سو اچو اسلامی بینکنگ کریو فیصل بینک سان سجی پاکستان میں متعارف کرائے ہوئے ہے فیصل اسلامی خوشحال کسان اکاؤنٹ جو کاشتکار کے شرعی اصول مطابق اسلامی بینکنگ جو کتنی بھی سہولتوں فراہم کرے تو مفت چیک بک ای پی آرڈر مفت ڈیبٹ کارڈ ای مفت آن لائن بینکنگ لامحدود نقد یا چیک بک کڈن ای جمع کرن جو سہولت پڑ حاصل کریو خاص رعایت زرعی فنانسنگ تھی ودیک معلومات لائے پانچ ویجی فیصل بینک برانچ تے وجو یا 111-06-06-06 تے کال کریو فیصل اسلامی خوشحال کسان کھاتو خوشحال کسان خوشحال پاکستان شرط ای ضابطہ لاگو ہے سامی نمبر آپ کی ہوسٹ آپ کے پسندیدہ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں اس وقت آپ ہمیں سن رہے ہیں ہاٹ ایف ایم 105 کے اسٹوڈیو سے لائیو. میرا اور آپ کا ساتھ 12 بجے تک رہے گا اور 11 بجے تک مس فسیہ ہمارے ساتھ رہیں گی. اور ہم روٹین مینجمنٹ رمضان میں کیا ہونی چاہیے, کیسے کھانا ہے, کیا پینا ہے, اس پہ بات کریں. ایک کال اچھا ہولڈ پہ تھی, ڈسکنیکٹ ہو گئی, دوبارہ سے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 02111-111-05 کے اوپر. فیس بک پیج پہ اس وقت لائیو ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں www.fb.com/hotfm105 کے اوپر, 888-1 کے اوپر میسج بھی بھیج سکتے ہیں. اچھا فرضیہ سب سے اہم چیز ایکسرسائز واک. رمضان شروع ہوتا ہم کہتے ہیں نہیں جی روزہ رکھا ہے پورا دن بس اب واک ایکسرسائز تو ایک مہینے کے بعد ہی کریں گے. اچھا لوگوں کا جو یہ کانسیپٹ ہے نا کہ رمضان شروع ہوا ہے وہی کچھ کرنا ہی نہیں ہے, پورا دن بیٹھ کے گزارنا ہے کیونکہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہے. تو یہ کانسیپٹ بہت زیادہ غلط ہے. ٹھیک ہے رمضان میں آپ کی ہائی انٹینسٹی ورک آؤٹ تو ریکمینڈیڈ نہیں ہے, بٹ آپ نے ایسی ایکسرسائزز رکھنی ہیں جو آپ کی موومنٹ ہوتی ہیں ڈیلی فزیکل ایکٹیویٹی, آپ نے ان کو زیادہ سے زیادہ اپنی ڈیلی روٹین میں انکلیوڈ کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کی لانگ سٹنگ جاب ہے کہ آپ کی پورا دن بیٹھے رہنے کی جاب ہے تو آپ اس میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے 5-10 منٹس کا آپ اس میں واک کر سکتے ہیں. اگر نماز پڑھنی ہے آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. سب سے بیسٹ تھنگ جو رمضان میں آپ کی تراویح کا ٹائم ہے, تراویح میں آپ کی اچھی خاصی
एक्सरसाइज हो जाती है, ठीक है। अगर आपको इस तरीके का टाइम नहीं मिल रहा है, आप घर में ही अपने लिए 5 से 10 मिनट का टाइम निकालें, टाइम सेट कर लें कि मैंने 5 से 10 मिनट अपने घर में ही वॉक करनी है। तो अगर आप इस तरह से अपनी एक्टिविटी इंक्लूड कर लेते हैं तो आपकी बॉडी भी बेहतर फील करती है, माइंड भी फ्रेश रहता है और जो थकावट का एहसास है वो भी आपको दूर हो जाता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा एक और चीज़ फसिया, हम देखते हैं कि वैसे तो हम कहते हैं ना कि रमज़ान या रोज़ा रखना आपको सब्र सिखाता है। बिल्कुल ना, सब्र के आप अपने जिस्म के साथ सब्र करते हैं बल्कि आपके रवैयों में, आपके सब चीज़ों में भी आपको सब्र करना है। तो लेकिन हम देखते हैं कि रमज़ान के महीने में लोगों को गुस्सा भी बहुत आने लगता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत बढ़ जाती है और मेंटल हेल्थ जैसे हम कहें ज़हनी सेहत भी हमारी ख़राब हो जाती है, गुस्सा करने लगते हैं या कुछ और भी, खाना पेट में नहीं जा रहा होता, चाय के मग्गे भर भर के नहीं मिल रहे होते तो गुस्सा भी आ रहा होता है। तो इसको इसको कैसे, मेंटल हेल्थ भी बड़ी अहम है। बिल्कुल है। अच्छा इसको हम इससे ये से मैनेज कर सकते हैं, जो आपकी ईटिंग हैबिट्स है ना उसका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है इसमें, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस किया कि आपने इफ्तार में सहरी में अपनी हेल्दी ईटिंग को प्रेफरेंस देनी है, मॉडरेशन इज़ द की, आपने मॉडरेशन को भी अपने दिमाग में उस चीज़ को रखना है। सेकेंड चीज़ ये, आपकी जो स्लीप डिस्टर्बेंस होती है ना उसका भी आपके स्ट्रेस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट आ रहा होता है। थोड़ा सा अपने आपकी जो स्लीप साइकिल है आपने थोड़ा सा उसको मेंटेन करना है। थर्ड चीज़ ये, आप थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी रखें, अपने हाइड्रेशन लेवल बेहतर रखें और थोड़ी सी आपकी जो रूटीन है ना आप थोड़ा सा उसको जो स्ट्रक्चराइज करें उसको थोड़ा सा फिक्स करें। फॉर एग्जाम्पल कि आपने इफ्तार और सहरी में क्या चीज़ें लेनी है, थोड़ा सा टाइम निकाल के फिजिकल एक्टिविटी अपनी रखें, आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं थोड़ा सा टाइम उनको दें, तो इस तरीके से आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो बेहतर तरीके से मैनेज हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा अगर मैं बात करूँ जैसे हम हमारे रमज़ान में हम पानी की इंटेक कम हो जाती है, ठीक है, तो इसके कोई सिम्टम्स हैं जो आपको पता चले कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी? फर्स्ट जो आपका कॉमन सिम्टम या मेन सिम्टम आ रहा होता है ना वो चेंज इन द कलर ऑफ यूरिन। अगर आपका यूरिन का कलर डार्किश येलो कलर का हो रहा है या येलो बिल्कुल जो आपको डार्क कलर हो जाता है तो मतलब आपको डिहाइड्रेशन हो रही है, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, माउथ में बहुत ज़्यादा आपकी ड्राइनेस होती है या आपके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, डिजीनेस होती है या लिथार्जनेस, आप ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा फील कर रहे होते हैं, तो इस तमाम जो आपके साइन एंड सिम्टम्स है डिहाइड्रेशन की। इसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, अपना वाटर इंटेक बेहतर रखना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल वाटर कॉन्टेंट जिनमें ज़्यादा होता है उसका इंटेक आपने रखना है, कैफीनेटेड जो बेवरेजेस होते हैं उसका इंटेक जो है आपने थोड़ा सा लिमिट रखना है, और जो आपके सॉल्टी फूड्स होते हैं या फिर सॉल्ट का इंटेक उसको थोड़ा सा कम से कम रखना है। सही। अच्छा फंसी एक और चीज़ सबसे है रमज़ान में, आपने जिससे भी बात करें ना एक जुमला ज़रूर सुनने में होता है यार हमारी नींद पूरी नहीं होती है, सोने को नहीं मिलती, तो क्या वाकई ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। रमज़ान में जो आपके स्लीप पैटर्न है ना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग समझें वही चीज़ होती है। किस तरीके से, बिकॉज हमारे ऐसे जो है वो स्पिरिचुअल या रिलीजियस एक्ट्स होते हैं, लाइक वो लोग होते हैं कि पूरी पूरी रात वो या तो इबादत में गुजार देते हैं, या कुछ लोग के वर्किंग आवर्स इस तरह से होते हैं, इवनिंग शिफ्ट्स होती है या फिर अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट्स होती है जिसकी वजह से भी उनकी नींद पूरी नहीं हो रही। तीसरी चीज़ ये, हमारा कल्चर इस तरह का है कि पूरी पूरी रात हम सोशल मीडिया पर गुजार देते हैं या फिर हम शॉपिंग पर निकल जाते हैं, तो जिसकी वजह से स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, स्ट्रेस होता है, चिड़चिड़े हो रहे होते हैं और हमारे हर किसी से जो है वो सिर्फ लड़ने को तैयार होते हैं। तो इसको हमें इस तरीके से फिक्स करना है कि जो पावर नैप्स होती है ना आपको जब टाइम मिले 15 to 20 मिनट्स की आप वो ले सकते हैं, थोड़े से स्लीप साइकिल को आपने थोड़ा सा फिक्स करना है, राइट आपकी जो नाइट की स्लीप होती है थोड़ा सा टाइम निकाल के, भले आप 1 घंटे का भी ले रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन थोड़े से जो आपने अपनी जो स्लीप साइकिल है ना उसको थोड़ा सा फिक्स करना है। बिल्कुल। अगर हम बात करें तो तरावी के बाद अगर हम चले 10:30 भी घर आ जाते हैं तो 11:15 के भी अगर हम सोने लेट जाए तो मेरे हमें 3 घंटे की आराम से नींद मिली, आराम से पूरी हो सकती है। लेकिन वही बात है ना कि आपने थोड़े से उसमें एफर्ट करनी है कि आप उस चीज़ को लेना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। वो मैं एक जगह पढ़ रही थी, कहते हैं कि जो हमारा सोशल मीडिया है ना तो लोग समझते हैं कि जब रात का वक्त है रमजान वापस आ गया तो चलो अब दोबारा से कुछ सोशल मीडिया पे अपना वक्त गुजार। बिल्कुल ऐसे ही, और उससे हमारी नींद भी गायब हो जाती है, स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं, तो उसको लिमिट करना थोड़ा सा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो रमज़ान को बेहतरीन, अच्छा देखिए एक और चीज़, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एक सवाल भी आया हुआ है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, तो मैं चाहूँगी इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ी सी बात करें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रमज़ान पर बड़े फोकस भी होते हैं इस बात पर कि हम अपना वजन भी कम कर सकते हैं, तो क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग और रमज़ान रोज़े रखने का कॉन्सेप्ट क्या एक ही है? और एक कॉल भी पहले लेते हैं जी, साबित जी कौन बात कर रहे हैं, जोर से बात कीजिएगा जी। अब्दुल माजी क्या मसले पैदा होते हैं, ये जवाब दे दस्तरा।
अच्छा, बदन में जब नमकियात की कमी। ओके ठीक, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि समटाइम नमकियात की भी कमी हो जाती है। अच्छा, नमकियात की कमी होती है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे होते हैं, डिजीनेस हो रही होती है, कि आप जो है वो बेहतर फील नहीं कर रहे होते हैं, या जो आपको रोज़मर्रा के काम होते हैं ना, वो प्रॉपर तरीके से अंजाम नहीं दे रहे होते हैं। तो ये तमाम जो है साइलेंट सिम्टम्स हैं, जो कि हमें नमकियात की कमी से देखने में मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको इस तरह की फीलिंग आ रही है, तो आप एट द टाइम ऑफ इफ्तार जो आपके वाटर इनटेक है उसके अंदर जो है आप थोड़ा सा ORS का पानी जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, फ्रेश फ्रूट जूसेस हो गए उसका इंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सीखनी होगी नमकियात की कमी वाकई बात बिल्कुल हो जाती है, ठीक है। और आपको क्रैम्स भी पड़ने लगते हैं बाज़ लोगों को, जिस और जिस तरीके से आजकल कराची का मौसम हो गया है थोड़ा सा हॉट, तो उसकी वजह से भी लोगों को इस तरीके की फीलिंग्स आ जाती है। बिल्कुल, वैसे आज सुबह की खबरों में तो हर जगह था कि कहीं ना कहीं बारिश हो रही है, कहीं ठंडी हवाएं चल रही हैं, अलग अलग कराची में भी ठंडी हवा चलना शुरू हो जाए। और हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करें, हाँ, तो उसके बारे में बताएं। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी आपका ये होता है कि उसमें आपका एक पैटर्न होता है 16 to 8 आवर का। फॉर एग्जाम्पल 16 आवर की आप फास्टिंग कर रहे होते हैं, तो 8 आवर्स आपके पास होते हैं जिसमें आप अपना खाना पीना कर रहे होते हैं। इसी तरह से आपका रमज़ान है, एक लॉन्ग फास्टिंग आपका टाइम होता है, फिर आपको एक पर्टिकुलर टाइम मिलता है जिसमें आप अपने खाने का इंटेक कर रहे होते हैं। सो ये है कि अगर आप जो आपको खाने का टाइम मिल रहा है, अगर आप उसमें हेल्दी ईटिंग करें बनस्बत ये जो फ्राइड आइटम्स होते हैं, तो आपका वेट गेन होने की बजाय आपका वेट जो है वो लॉस हो सकता है। आपने हेल्दी फूड चॉइसेस को प्रेफर करना है, लाइक डीप फ्राइड आइटम्स से अगर बेहतर है आप एयर फ्रायर यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो आपके फ्रूट जूसेस के अलावा ये जो आपके जो पैकेट फ्रूट जूसेस होते हैं उसकी जगह आप होल फ्रूट इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो और अगर आपकी जो है वो आप नान यूज़ कर रहे हैं या फिर वाइट आटे की मैदे से बनी अशियाँ यूज़ कर रहे हैं, अगर उनको रिप्लेस करके आप होल व्हीट फ्लावर यूज़ कर लें या घर की बनी हुई अशियाँ यूज़ कर लें, तो वो ज़्यादा प्रेफर होगी आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन आपने बताया। और एयर फ्रायर तो आजकल बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन चलें हम वो ऑप्शन दूसरा भी दे देते हैं। अभी कल की खबर थी कि 2 रुपये कितने रुपये यूनिट बिजली भी महंगी होने वाली है, ठीक है। तो लोग सोचेंगे कि एक तो एयर फ्रायर खरीदो और बिजली का भी खर्चा करो, तो वैसे शैलो फ्राई भी होता है ना, आप अपने पैन फ्राई हो गया, आप पैन फ्राई कर सकते हैं, ग्रिलिंग कर सकते हैं, बेकिंग कर सकते हैं, तो ये तमाम ऑप्शंस हैं, लेकिन डीप फ्राइड से ज्यादा बेहतर है, बट हमें अपने आसपास देखने की जरूरत है थोड़ा सा। बिल्कुल सही बात है। और बड़ी ना एक दफा हमें हमारी रेगुलर कॉलर है, उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि वो जो पकौड़ों का हम मिक्सचर बनाते हैं ना, ठीक है, उन्होंने कहा कि जी मैं बिल्कुल हल्के से तेल में नॉन स्टिक फ्राई पैन में उसको डाल के ना बेसन की रोटी जैसी बना लेती। अच्छा ठीक है, और वो उसको एज अ पकौड़ा चटनी के साथ बन समझ के खाने है, तो वो भी तमाम चीजें और वो आप चटनी के साथ खा रहे, बड़ा अच्छा आइडिया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा वैसे ये। थैंक यू सो मच फसिया, आज बातें तो हम अभी भी बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन वक्त खत्म हो चुका है। कैसा लगा शो पे आके, कुछ कहना चाहेंगे रमजान के हवाले से, आखिर में मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो, और मैं थोड़ा सा सॉरी कहना चाहूंगी कि मैं थोड़ा सा लेट आई, लेकिन आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बस लास्ट में यही मैसेज देना चाहूंगी कि रमजान इज अ मंथ ऑफ प्रैक्टिस, राइट, जो प्रैक्टिस हम एक महीने में अप्रोच कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बेहतर टाइम होता है कि हम अपनी जो डाइटरी हैबिट्स हैं या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हम इसमें कर सकते हैं, जो कि हम आने वाली जिंदगी में भी उसको लॉन्ग टर्म अपनी डेली लाइफ में रख सकते हैं। राइट, सो मॉडरेशन इज द की, अपनी हाइड्रेशन